सो हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल क्रिएटोरियन। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक प्रोफेशनल फिटनेस बैनर क्रिएट कर पाओगे। तो यहाँ पे पिक्सल लैब को ओपन करके इमेज साइज पे जाके इमेज की जो साइज है उसको आप 900x1180 पे कन्वर्ट कर लो। इमेज को रिसाइज करने के बाद आपको जाना होगा कलर ऑप्शन पे। तो कलर ऑप्शन पे जाके आप व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना। कलर को सिलेक्ट करने के बाद प्लस आइकॉन पे क्लिक करके आप यहाँ पे एक शेप को इम्पोर्ट कर लेना। तो शेप को इम्पोर्ट करने के बाद उसको आप थोड़ा सा रिसाइज कर लेना। इसके बाद शेप की लेयर को सिलेक्ट करके कलर ऑप्शन पे जाके उसको मैं इनेबल करने वाला हूँ। तो इनेबल करने के बाद ये जो शेप है इसके लिए मैं येलो ग्रेडियंट कलर को सिलेक्ट कर लूंगा। अब शेप की लेयर को सिलेक्ट करके पर्सपेक्टिव ऑप्शन पे आपको जाना होगा। तो यहाँ पे जाके ये जो शेप है इसको एक डायगोनल रेक्टेंगुलर शेप पे आपको कन्वर्ट करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं कैसे इस शेप को चेंज कर रहा हूँ। तो शेप को चेंज करने के बाद इनेबल ऑप्शन को आप ऑन कर देना। इसके बाद रोटेट ऑप्शन पे जाके इस शेप को -17 डिग्री पे रोटेट करना होगा। अब इसको बैकग्राउंड की एकदम ऊपर की तरफ आप प्लेस कर देना। इसके बाद शेडो ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो शेडो ऑप्शन पे क्लिक करके शेडो को आप इनेबल कर देना। अब जो पहला वाला जो शेप है इसकी एक कॉपी को आपको यहाँ पे लेना होगा। तो कॉपी को लेने के बाद इसकी जो साइज है उसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेना होगा। तो रिसाइज करने के बाद आपको इसको सही जगह पे प्लेस करना होगा। तो सेम तरीके से मैं और एक कॉपी को यहाँ पे ले लूंगा। तो कॉपी को लेने के बाद उसको भी थोड़ा सा रिसाइज करके सही जगह पे प्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड क्रिएट करने की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। तो इसीलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट दिखा रहा हूँ ताकि ये वीडियो लंबी ना बने। तो यहाँ पे जो टोटल प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक शेप को कॉपी करना होगा, तो कॉपी करने के बाद उसको रिसाइज करके उसको आपको सही जगह पे प्लेस करना होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना वीडियो को, एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहूँगा। इसके बाद एक शेप को कॉपी करके उसकी जो साइज है उसको आप थोड़ा सा इंक्रीज कर देना। तो इंक्रीज करने के बाद आपको जाना होगा यहाँ पे कलर ऑप्शन पे। तो कलर ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे येलो रेड ग्रेडियंट कलर को सिलेक्ट कर लेना। कलर को सिलेक्ट करने के बाद शेडो ऑप्शन पे जाके शेडो को आप इनेबल कर देना। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग वर्ड है उसको मैं यहाँ पे टाइप कर लूंगा। तो आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो। टेक्स्ट ऐड करने के बाद टेक्स्ट की जो फॉन्ट स्टाइल है उसको आप थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देना। इसके बाद टेक्स्ट की कलर के लिए आप व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना। अब पर्सपेक्टिव ऑप्शन को ऑन करके टेक्स्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेंड कर दूंगा। इसके बाद रोटेट ऑप्शन पे जाके इसको आप -17 डिग्री पे रोटेट कर देना। टेक्स्ट को रोटेट करने के बाद इसको आप रिसाइज करके नीचे की तरफ जो रेड कलर की जो शेप है उसके ऊपर आप इसको प्लेस कर देना। तो सेम तरीके से मैं यहाँ पे एक ब्लैक कलर की बैकग्राउंड को लेके उसके ऊपर मैं सेंटर वर्ड को प्लेस करने वाला हूँ। इसके बाद इस बैनर की डेकोरेशन के लिए और भी बहुत सारी वर्ड एंड टेक्स्ट को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये सब कुछ ऐड करने के बाद मैं अपने मोबाइल में से एक PNG इमेज को यहाँ पे ऐड कर लूंगा। तो PNG इमेज को ऐड करने के बाद उसकी जो साइज है उसको आप थोड़ा सा रिसाइज कर लेना। अब शेडो ऑप्शन पे क्लिक करके शेडो को इनेबल करके ब्लर रेडियस को आप फुल कर देना, एंड शेडो की जो ओपेसिटी है उसको डिक्रीज करके 145 कर देना। इसके बाद डिजाइन के लिए मैं यहाँ पे और दो टेक्स्ट को ऐड कर लूंगा। तो बैनर कंप्लीट हो जाने के बाद ऊपर में आपको सेव ऑप्शन दिख जाएगा। तो उसके ऊपर क्लिक करके सेव एज इमेज पे आपको क्लिक करना होगा। तो इसके बाद सेव टू गैलरी ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए दिस इज शुभदीप पाल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।